जाता है देखें, इससे जलों की सूरत में पाया जाता है। ये नेचुरल फ्लोज है, कटिंग किया तो ये आ गया। अब लोग कहते हैं इसकी जड़ घास होती, तो एक्चुअली देखें जो फ्रोजा इस सूरत में ऐसा है, मिसाल है ये नेचुरल फ्रोजा जो है उसकी सूरत ये होती, ठीक है। और इसको जब कट किया जाता है तो यहाँ से इसको काटा और काटने इसको बीच में से सड़क दो टुकड़े किए जाते हैं, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा इसको बनाया नहीं जाता, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये इसकी जड़ कहलाती है। आज तक इतनी वजाहत के साथ कभी किसी ने फ्रोजा मुताली आपको डिटेल नहीं दी होगी। ये देखें मैंने अपने लोगों को समझाने के लिए ये इतने फ्रोजों की आपके सामने रखी, ये तमाम फ्रोज है, ये सब फेक और जाली है, इसमें एक भी असली नहीं है। कोई मेन मैन मेड बना हुआ है, कोई हैदराबाद का बना हुआ है, कोई दूसरे शहर मुल्कों से बन के आ गया, कोई चाइना से बन के आ गया, ये सबसे सब दो नंबर है। ये 100 रुपये से लेकर ये बड़ा वाला जो इतना बड़ा अगर असली नेशन पूरी फ्रोज होगा तकरीबन 1 लाख रुपये का होगा, और जबकि आपको 1000 रुपये के अंदर 1500 के अंदर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आसिफ इंतखाबे नगीन आपसे मुखातिब हूँ मैं। और जैसे कि आपको जानते हैं कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको एक नई अवेयरनेस और नॉलेज मिले। इससे पहले भी मैंने फिरोजे की वीडियोस बनाई हैं और उसकी डिटेल्स बताई है, लेकिन शायकीन और जो नाज़रीन हैं उनकी डिमांड है कि आप फिरोजे के मुतालिक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से लोग हैं जो उन्होंने कहा कि दोबारा आप फिरोजे की वीडियोस बना के प्लीज़ हमें हुसैनी फिरोजे के मुतालिक कुछ नॉलेज मालूम दें, उसमें और रज़ाकी में क्या फ़र्क होता है। तो देखें हुसैनी और रज़ाकी के अंदर कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता, दोनों फिरोजे ही होते हैं। फर्क एक बहुत बड़ा सिर्फ यही है, कलर का फ़र्क होता है। कलर के अंदर हुसैनी फिरोजा जो है वो इस तरह से पाए, ये रज़ाकी फिरोजे जो हैं इस तरह से होते हैं। ये तो आप नेशापुरी फिरोजा है, हुसैनी फिरोजा, रज़ाकी फिरोजा, नेशापुरी फिरोजा, एरिजोना फिरोजा, खटमंडू का फिरोजा, ये बहुत सारे फिरोजों की आसाम निकलती है। तो ये बहुत मुख्तसर वीडियो में आप लोगों से एक चीज़ समझानी है, हुसैनी रज़ाकी में क्या फ़र्क है। हुसैनी फिरोजे जो है वो हरे रंग के होते हैं, ये हुसैनी फिरोजे ये देखें 100-100 कैरेट तक के मेरे पास मौजूद हैं, इतने बड़े फिरोजे बहुत कम मिलते हैं। ये हुसैनी फिरोजे हैं, ये देखें सब हुसैनी फिरोजा हरे कलर का होता है का। और रज़ाकी फिरोजा जो ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये रज़ाकी फिरोजे हैं सारे, ये रज़ाकी हैं, ये हुसैनी हैं और ये रज़ाकी हैं। इन दोनों में ज़मीन आसमान सिर्फ कलर का फ़र्क होता है। और तीसरी बात आज आप लोगों को समझा दूँ मैं कि ये हुसैनी फिरोजे के अंदर जो तैयार होता है अमूमन ये मुश्किल से बहुत कम मिलेगा आपको। वजह ये कि जो रज़ाकी फिरोजा होता है इसको अगर काफ़ी अर्से तक रखा जाए तो ऐसा ही रंग बदलने शुरू हो जाता है उंगली की आप अगर इसको पहन लें तो अंगूठी में उंगली में जाने के बाद इसका रंग जो है ऐसा ऐसा आपके जिस्म की हरारत से तब्दील होकर ग्रीन हो जाता है। ये देखें ये रज़ाकी फिरोजे हैं, कलर चेंज होकर ये हुसैनी फिरोजों की सूरत अख्तियार कर गए हैं। क्योंकि इसके अंदर चूहे की आमेजिश होती है तो उसकी वजह से भी रंग इसके अंदर तब्दील होती है। अगर इसको खोपरे नारियल तेल में डाल दें तो इसके अंदर रंग की अंदर तेज़ी पैदा हो जाती है, वरना आम हालत में रंग इसका लाइटी कलर का होता है। ये इसका फ़र्क है हुसैनी और रज़ाकी का। ये देखें इसके अंदर हल्का सा जो ग्रीनिश कलर आना शुरू हो गया, ये देखें ये नेशापुरी फिरोजा आएगा। अच्छा ये पाया इस तरह से जाता है का, देखें इस तरीके से डलों की सूरत में पाया जाता है का। ये नेचुरल फ्रोज है, कटिंग किया तो ये आ गया। अब लोग कहते हैं इसकी जड़ घास होती, तो एक्चुअली देखें जो फ्रोजा इस सूरत में ऐसा है, मिसाल तौर पर ये नेचुरल फ्रोजा जो है उसकी सूरत ये होती, ठीक है। और इसको जब कट किया जाता है तो यहाँ से इसको काटा और काटने में इसमें बीच में से इसे सड़क दो टुकड़े किए जाते हैं, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको बनाया नहीं जाता, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये इसकी जड़ कहलाती है। आज तक इतनी वजाहत के साथ कभी किसी ने फिरोजे मुताली आपको डिटेल नहीं दी होगी जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। हिंद पाक बर सगीर के अंदर अमूमन लोग इसको बेतहाशा पसंद कर रहे हैं, खास करके बांग्लादेश से, इंडिया से, बर्मा, कटमंडू, कोलंबो, वहाँ बहुत सारे ममालिक के लोग जो हैं इस मुताली मालूम देते हैं, क्योंकि फिरोजा वहाँ उन ममालिक में पाया नहीं जाता है। और सब ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर होता है। तो लोगों को ये आज तक किसी ने नहीं बताया कि इसकी जड़ आती कहाँ से है, ये कैसे जड़ वाला हो जाता है। तो नाज़रीन ये बहुत अहम चैप्टर है आज के लिहाज से कि इसकी जो कटिंग जो की जाती है वो इस तरह से की जाती है बीच में से कि ये वाला हिस्सा जो है ये बाहरी साइड में आ जाता है और उसको ओवल शेप दे दिया जाता है, तो ये फिरोजा बेहतरीन तैयार हो जाता है। ये देखें और उसके बाद फिर शेप होने की सूरत में देखें ये शेप हम तैयार कर देते हैं इसके, ये सब हमारे यहीं अपने कारखानों में कटिंग करके तैयार किया गया है। ये देखें मैंने कितना हसीन और खूबसूरत कलर है। फिरोजे तो बेताशा मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन चूँकि टाइम का मुकाबला सख्त वाली बात है, ये देखें फिरोजे के अंदर ये कलर देखें कितना खूबसूरत मेरे पास मौजूद है। और ये कलर देखिए आप, फिरोजी कलर देखें, ओहो ये देखें कितना डार्क फिरोजी कलर मौजूद है। एक है पत्थर देखें, इसमें जवाब नहीं कलर का। ये रज़ाकी फिरोजे ईरानी मशहदी हैं, रज़ाकी ईरानी मशहदी, ये देखें
तो ये तमाम वैरायटी मैंने आपके सामने फिर डिस्प्ले कर रहा हूँ दोबारा। इससे पहले भी मैंने फ्रोजे के ऊपर डिटेल बताई थी आप लोगों को कि भाई फ्रोजे कहाँ से बजाते हैं क्या क्या, वो मेरी आप वीडियो देखिएगा उसमें सब मैंने फ्रोजों के डिटेल्स लिख दी हैं। अच्छा इसमें कुछ खटमंडू के ही, खटमंडू से लेकर आया था मैं, इसकी मालाएं भी मेरे पास मोटी मोटी दानों की रखी हुई खटमंडू वाली है ना, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शजीरी फ्रोजे हैं आजकल वहाँ ईरान से, ये बहुत आ रहा है माल, बन कराची में ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब हमारे अपने कारखाने के बनाए हुए हैं। तो ये वो चीज़ थी जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि भाई क्यों लोगों को बड़ा इंटरेस्ट अच्छी फ्रोजे में ही होता है, तो मेरी भी कोशिश होती है ये बारीक फ्रोजे बने हुए हैं। अच्छा स्ट्रिंग की सूरत में भी होते हैं, इवन यकीन करें इसकी जो रबिश बच जाती है ना अनकट, उसकी भी कटिंग करके उसमें से सुराख करके उसकी भी स्ट्रिंग बना के पहनी जाती है, क्योंकि फ़ायदे के लिहाज से फिरोजा बेपना फ़ायदे का हामिल बढ़ता रहे, फ़कीरी ज़ाहिर करता है, मसहब की रबत पैदा करता है, बड़े बड़े औलिया बुज़ानदीन पहनते हैं। और ये देखें इसकी स्ट्रिंग की सूरत में भी बना के आप पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत खुशनुमा। फिर दूसरी चीज़ ये जादे में नज़र हसीन और खूबसूरत है, अकीक सुरख और दूसरा ये फिरोजी कलर का नगीना, हर आदमी बस इन दो पत्थरों के ऊपर मरता है। जिससे बात कीजिए वो कहते हैं आसिफ भाई हमें एक उमदा सा कोई फिरोजा दे। अब मैं एक बार बता दूं, इस वक्त चाइना का फिरोजा आ रहा है बहुत सस्ता चीप पड़ रहा है, 50, 100, 200 रुपए का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 500, 1000 रुपए का दो नंबर। ये देखें मैंने अपने लोगों को समझाने के लिए ये इतने फिरोजों की अक्साम आपके सामने रखी, ये तमाम तमाम फिरोजे ये सब फेक और जाली हैं, इसमें एक भी असली नहीं है। कोई मैन मेड बना हुआ है, कोई हैदराबाद का बना हुआ है, कोई दूसरे शहर मुल्कों से बन के आ गया, कोई चाइना से बन के आ गया, ये सब सब दो नंबर हैं। ये 100 रुपये से लेके ये बड़ा वाला जो इतना बड़ा अगर असली नेशब पूरी फ्रोज होगा तकरीबन वो 1 लाख रुपए का होगा, और जबकि ये आपको 1000 रुपये के अंदर 1500 के अंदर मिल जाएगा। तो आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि बाइंग पावर कम हो गई, डॉलर कीमत बहुत आसमान पहुँच गई है, तो जो फ्रोजा किसी ज़माने 500 रुपये का मिला करता था आज उसकी कीमत जो है वो 5000 रुपये पहुँच चुकी है। अब लोगों को 500 में ही फ्रोजा चाहिए, तो ये है वो 500 के अंदर बेचा जाता है, लोग शौक से खुशी से पहनते हैं, ना इनका कलर फेड होता नहीं है, ख़राब होते हैं, खूबसूरती में भी अपनी जगह रहते हैं। इसी अंगूठी 400-500 रुपये के अंदर आपको चाइना की मिल जाएगी, आजकल टर्की की अंगूठियाँ भी आ रही हैं फिरोजी कलर की बनी हुई, ईरानी अंगूठियाँ भी आ रही हैं, वो बहुत सस्ती और चीप मिल जाएंगी आपको मार्केट में 1800, 1500, 1200 के अंदर। वो भी मैंने अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए इससे पहले वाले प्रोग्राम में शो कर चुका हूँ। तो नाज़रीन ये शनाज जो है सिर्फ जौहरी कर सकता, आम आदमी इन तमाम फिरोजों में इसको नहीं पहचान सकता, बल्कि ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं आपको देखने में। तो आज का मेरा सेगमेंट छोटा सा फिरोजों के मुताबिक दोबारा इसलिए दे रहे हैं कि बार बार लोगों की मेरे पास फरमाइश आती है कि आसिफ भाई फिरोजों और अकीम मुताबिक मालूम दीजिए, तो मैं आज फिर आपको बता रहा हूँ, मैंने इतना ढेर आप सामने लगा दिया फिरोजों का। अच्छा आज एक चीज़ और बता दूँ, फिरोजा नीलम डायमंड ये हर आदमी नहीं पहन सकता है, और बाद अवत ये होता चला रहा है कि हर आदमी पहनता चला है फिरोजा और हर एक को सूट भी करता है, लेकिन बाद अवत किसी सूट नहीं भी करता है, फ़ायदा देता है बेपना फ़ायदा देता है, बालों को नुकसान देता है, नीलम के नुकसान भी दे जाता है, तो लिहाजा देखभाल के पहनी है। कैप्रिकॉन वाले खास करके इसको पहन सकते हैं और सेजिटेरियस वाले भी इसको पहन सकते हैं। बहरहाल कोई और भी शौकीन है तो उसको पहने बाद अगर देखें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बुरा ख्वाब नज़र नहीं आ रहा इसके पहनने बाद, अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, रूहानियत से मनसूब आपका दिमाग जा रहा है, तो इससे मतलब फिरोजा आपको सूट कर रहा है, तो आप लिहाजा उसको पहन सकते हैं, तो बेखटके होकर फिरोजा पहन लीजिए। लेकिन मैं जब तक सजेस्ट नहीं करता हूँ उस वक्त तक मेरा आपको एडवाइस यही है कि फिरोजा डायमंड और सिफाई यानी कि नीलम ये तीन पत्थर बहुत एहतियात से और समझ के पहनिएगा, बगैर पूछे मत पहनिएगा, ताकि ये सूट करे। सूट कर जाने के बाद मैंने देखा है रंग बदलता है, बदलने के बाद इंसान के हालात बदलते हैं, हालात बदलते हैं तो वो टेक ऑफ कर जाता है, और कहा जाता है वक्त बदलता है तो फ़कीर से और बादशाह तक पहुँचा देता है। ये वही पत्थर हैं, कुछ नहीं पता अल्लाह ताला आपकी हम तो सना से आप अल्लाह का जिक्र करने से इन पत्थरों जिक्र करने से आपकी तकदीर हालात में क्या तब्दीली पैदा कर दें, करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, और जो कुछ भी सिर्फ अल्लाह रब्बे कायनात की बनाई हुई चीज़ें बस हमको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आए खुशनुमा पत्थर हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको पहनिए, इसके अंदर जो एक हीलिंग पावर है उससे मुस्तफ़ीद हो जाइए, उससे फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सुर्ख बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, और बराबर जो बेल है इसको भी पुश कर दीजिए, इस तरह से यह मेरी तमाम वीडियो तक पहुँच जाएंगी और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।